नमस्कार दोस्तों, नव मंत्रों पर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक अनोखा सरल वशीकरण उपाय, जिसे आप आसानी से कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो वशीकरण उपाय है वह है सुपारी से वशीकरण उपाय। जी हाँ मित्रों, आप सुपारी से भी वशीकरण उपाय कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर अपना मन चाह कार्य करवा सकते हैं, विभिन्न तिहा प्यार पा सकते हैं। यदि आप किसी दुश्मन को भी अपने वश में करना चाहते हैं, शत्रुता खत्म करना चाहते हैं और उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम संबंध लाना चाहते हैं, प्रेम भाव लाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अपने शत्रु पर भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने बच्चों पर भी कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी बातों में नहीं आ रहे, वे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे और बेवजह झगड़ा करते हैं, तो आप अपने बच्चों पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और इस प्रयोग को पति पत्नी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पत्नी है, उसका पति उसे प्रेम नहीं करता, या पहले कुछ साल हो गए हैं शादी को, उनके प्रेम में कोई कमी आ गई है, वे धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है, या आपको लग रहा है कि किसी अन्य के संपर्क में आ रहा है, तो आप अपने पति पर भी ये वशीकरण उपाय कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो पुरुष है वे अपने पति पर भी इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं, अपनी पत्नी को वश में कर सकते हैं। और जहां तक लड़के लड़कियों की बात करूं, तो लड़कों अपनी प्रेमिका को वश में कर सकते हैं इस वशीकरण उपाय से, और लड़कियां भी अपने प्रेमी को आसानी से इस वशीकरण उपाय से कर सकते हैं। इस वशीकरण उपयोग को किसी भी आयु के और किसी भी जाति धर्म के लोग आसानी से कर सकते हैं, वे अपने वश में कर अपने कार्य को परिपूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, इससे पहले कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके हुए मंत्र बता पाए। मित्रों, आपको इस उपाय को करने के लिए दो सुपारी की आवश्यकता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। बिल्कुल ऐसी दो सुपारी ले लें, आसानी से आपको पनवाड़ी की दुकान से मिल जाएगी ये, और शायद आपके घर में भी उपलब्ध हो। तो ऐसी दो साबुत सुपारी लेनी है आपने, दो साबुत सुपारी ले लें और एक आसन लगा लें, सफेद कलर का एक आसन लगाकर बैठ जाए। और आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और सोमवार के दिन आपको इस कार्य को करना है। जी हाँ मित्रों, सोमवार के दिन आप इस कार्य को करें, सुबह के समय आप इस कार्य को कर सकते हैं और रात्रि के समय भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस कार्य को आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन दोपहर को नहीं कर सकते, या रात्रि को या सुबह के समय आप इस कार्य को करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों सुपारियों को लेना है और इस तरीके से अपने दोनों हाथ की हथेलियों में पकड़ लेना है, दाएं और बाएं दोनों हाथ की मुट्ठी में पकड़कर इसे इसी तरीके से बंद कर लेना और एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, जल की जोगनी नाम पताली जय माई भजो उपस लाग, सोते उठते चैन न पावे हमसे मुख देखे जागे भाग। मंत्र मैं एक बार फिर से बोलने जा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी ले सकते हैं इस मंत्र को। जल की जोगनी नाम पताली जय माई भेजू उस पे लाग, सोते उठते चैन न पावे हमसे मुख देखे जाग भाग। इस मंत्र का 21 बार जाप करें और आपको ये सोमवार के दिन कार्य करना है। और उसके बाद क्या करना है मित्रों, एकांत में बैठ के इस कार्य को करें, आपको कोई भी ना देखे, नहा धोकर स्वच्छ होकर और सफेद वस्त्र धारण करके स्वच्छ होकर आप इस कार्य को करें और पूरी श्रद्धा से करें, पूरी निष्ठा से करें। मित्रों, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि आपकी भावना सच्ची है, अच्छी है, तो आपको इसका परिणाम आपके सामने कुछ ही दिनों में होगा। आपको क्या करना है, ऐसे करने के बाद इसे अपने मुंह में रख लेना है, इस सुपारी को अपने मुंह में रखना है। 21 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद इस सुपारी को अपने मुंह में रख लें और मुंह में रखने के बाद आपको मन ही मन उस व्यक्ति को, उस महिला को जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपनी प्रेमी प्रेमिका को, उसका ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए, मन ही मन उसे याद करते हुए और अपने मुंह में रख के इस सुपारी को इसी मंत्र का फिर से 21 बार जाप करना है। पहले इसका सिद्धिकरण करने के लिए आपको इस तरीके से हाथ में लेकर जाप करना है, फिर इसे दोनों सुपारियों को अपने मुख में रखकर, मुंह के अंदर रखकर 21 बार इसी मंत्र का फिर से जाप करना है, मन ही मन उसे याद करते हुए। और फिर उसके बाद आप सुपारी मुंह से निकाल लें और इसे सुखा लें। सुखाने के बाद आपको क्या करना है, जिसे भी आप वशीभूत करना चाहते हैं उसे किसी वस्तु में, किसी भी चीज में, किसी भी तरीके से आप इस सुपारी को खिला लें और खिलाते ही आप देखेंगे कि वह व्यक्ति
आपकी ओर ऐसा आकर्षित होगा कि आपके चेहरा देखे बिना उसको नींद तक नहीं आएगी, वह आपकी ओर से बात किए बगैर उसे खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एक पल भी आपके बिना नहीं रह पाएगा और आपसे हमेशा बेइंतहा मोहब्बत करता रहेगा। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं तो आप यह कार्य हमारे द्वारा भी कॉल करके करवा सकते हैं। इस मंत्र व विधि से जुड़ी अन्य जानकारी व सावधानियां जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं मित्रों, धन्यवाद।